त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद निया और आज मैं आपको बताऊंगा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आजकल दुनिया भर में एक बीमारी ने कोहराम मचा रखा है और उसका नाम है कोरोना वायरस की बीमारी, अर्थात कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी। तो इस बीमारी ने दुनिया में हजारों लोगों की क्या ले ली है, जान ले ली है। तो जो माल्थस था उसने कहा था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो देश के लिए हानिकारक होती है, अर्थात वह पहला व्यक्ति था जिसने दुनिया के सामने ये बात रखी यदि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि संसाधनों की पड़ेगी कमी और जनसंख्या हो जाएगी ज्यादा। तो इस प्रकार से जनसंख्या होगी ऊपर और संसाधन होंगे नीचे। तो इस असंतुलन को पूरा करने के लिए फिर क्या होगा, मनुष्य कदम नहीं उठाएगा जनसंख्या को रोकने के लिए तो फिर प्रकृति स्वयं उस काम को करेगी। जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की चपेट के कारण आज हजारों व्यक्ति क्या हो चुके हैं, मौत के शिकार हो चुके हैं और बहुत सारे अभी क्या हैं, संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उसने कहा था कि प्रकृति अपने आप जनसंख्या को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके सिद्धांत में जो बात कही गई है वो बहुत साल पहले कही थी, लगभग 222 साल पहले उसने बात कही थी अपने सिद्धांत में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका सिद्धांत क्या इस बात की पुष्टि करता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रकृति स्वयं ही क्या करेगी, जनसंख्या को मानने का काम करेगी सामान्य भाषा में, और वह प्रकृति में जितनी सुविधाएं हैं उसके बराबर होने की ओर आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि माल्थस कौन था, ठीक है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि माल्थस कौन था, उसके बाद उसने क्या जनसंख्या सिद्धांत दिया, किस पुस्तक में दिया, किस प्रकार से जनसंख्या ग्रोथ करती है, ठीक है, उस प्रकार से किस प्रकार से खाद्यान्न ग्रोथ करते हैं और आगे चलकर कि किस प्रकार से जनसंख्या और जो संसाधन है उनके बीच क्या हो जाता है, एक असंतुलन पैदा हो जाता है, उसको हम समझेंगे और देखेंगे विश्व में जो कि महामारी फैली हुई है कि क्या उसी कारण से जनसंख्या अभी घट रही है या जो व्यक्ति है वो मौत के शिकार हो रहे हैं उनसे उनका क्या लेना देना है, अर्थात इससे उनका लेना देना है कि नहीं है। आगे चलकर देखेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने किस प्रकार से इस सिद्धांत की आलोचना की और फिर अंत में जानेंगे कि ये सिद्धांत वर्तमान में कितना प्रासंगिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि माल्थस कौन था या ये जानते हैं कि माल्थस कौन था। तो जो माल्थस था वह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था और साथ में चर्च का पादरी भी था, अर्थात पुजारी था। और उसने देखा कि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी और उसकी तुलना में क्या था कि जो आर्थिक संसाधन थे अर्थात जो लोगों को सुख सुविधाएं चाहिए थी उनकी संख्या घट रही थी। तो उसने पाया कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती चली गई तो आने वाले समय में ये क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट का रूप लेगा और इससे क्या होगा, मानव का अहित होगा, इसके जो दुष्परिणाम है वो मानव को झेलने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहां पे देखते हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत टॉपिक लिया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि माल्थस का पूरा नाम क्या था। माल्थस का पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस, और पहले बता चुका हूं कि वो ब्रिटेन का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था और वो अर्थशास्त्री होने के साथ साथ पादरी था, अर्थात चर्च में पूजा भी करता था। अगला आता है कि उसने अपना यह जनसंख्या का सिद्धांत कौन सी किताब में दिया। तो उसने एक बुक प्रकाशित की, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या नाम है उसका, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और वो जो बुक थी वो प्रकाशित हुई, अर्थात उसका जो पब्लिकेशन हुआ जब वो मार्केट में आई तो उसका पब्लिकेशन की जो तिथि है वह है 1798 में। तो इसी पुस्तक में उसने अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जो सिद्धांत उसने दिया उसे कहते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की क्या परिभाषा है वो संक्षिप्त में है कि किसी देश की जनसंख्या खाद्यान्नों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। किसी देश की जनसंख्या खाद्यान्नों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, अर्थात किसी देश की जो पॉपुलेशन होती है वह जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। इसका अर्थ हुआ कि यहां पर देखिए उसने खाद्यान्नों और जनसंख्या इन दोनों से
तुलना की और ये पाया कि जो जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत तेजी से होती है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसमें उसने खाद्यान्नों को शामिल किया है कि उसकी गति क्या हो जाती है, कम होती है। अर्थात जनसंख्या बढ़ती है ज्यादा और खाद्य पदार्थ हो जाते हैं कम। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि लोग हो जाएंगे ज्यादा और खाद्य पदार्थ होगा कम। परिणाम निकलेगा कुछ लोगों को खाने पीने के लिए मिलेगा और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो इन दो चीजों का अर्थात जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्नों की वृद्धि की तुलना करके उसने अपना सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से ये तो उसकी क्या हुई, संक्षिप्त परिभाषा हुई। अभी हमारा जो सफर है अभी शुरू ही हुआ है, अभी हमने बहुत लंबा सफर क्या करना है अभी तय करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माल्थस ने जो अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया उसके लिए उसने कुछ मान्यताएं बताई। अर्थात प्रत्येक जो सिद्धांत होता है उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। तो माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत की क्या मान्यताएं बताई, तो मान्यताओं को देख लेते हैं कि पहला यहां पे मानव की प्रजनन क्षमता स्थिर, अर्थात मानव की जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें कमी नहीं आती है, न वो कम होती है और न बढ़ती है, वो क्या होती है, स्थिर बनी रहती है। स्थिर बने रहने का मीनिंग है, यह प्रजनन क्षमता का अर्थ है कि इंसान में बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वह स्थिर बनी रहती है, अर्थात वह जनसंख्या को बढ़ाने की क्षमता रखता है। आता है कि जीने के लिए भोजन जरूरी है, जीने के लिए भोजन जरूरी है। माल्थस के अनुसार यदि जिंदा रहना है इंसान को तो भोजन क्या है, जरूरी है। आप भी जानते हैं और अब भी जानते हैं कि इंसान बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता है। अगली जो मान्यता उसने दी कि जीवन निर्वाह के साधनों और जनसंख्या वृद्धि में सीधा संबंध होता है। जीवन निर्वाह के साधनों अर्थात जीवन जीने के लिए जितने साधन होते हैं, तो जैसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, चाहे भोजन है चाहे वस्त्र है या और भी जो थिंग्स हैं वो क्या होती हैं, इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं। तो उसने क्या कहा कि जीवन निर्वाह के साधनों और जनसंख्या वृद्धि में सीधा संबंध होता है। कहने का अर्थ है यदि जीवन निर्वाह के साधन बढ़ते हैं, यदि फैसिलिटीज बढ़ती हैं, सुविधाएं ज्यादा बढ़ती हैं, तो जनसंख्या भी बढ़ती है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है माल्थस का। तो अगला उसने बताया कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का अर्थ है कि जैसे जैसे क्या करते हैं कि एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन घटती दर से प्राप्त होता है। अब कैसे होता है कि पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर एक बिंदु ऐसा आता है कि उत्पादन घटने लगता है और घटते घटते कहाँ पहुंच जाता है, शून्य पे पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति ह्रास नियम का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है और वो किस प्रकार से काम करता है। तालिका और रेखा चित्र के द्वारा सारा का सारा उसको विस्तार रूप से समझाया गया है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा समझ लें कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है। माना बात किसी व्यक्ति के पास एक एकड़ का खेत है और उसमें उसने चावल बोया, तो पहले श्रमिकों की संख्या पूंजी की मात्राओं को बढ़ाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, माना कि उसमें एक टाइम में जरूरत है कि उसमें 25 श्रमिक चाहिए और उसमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, यहां तक उसने काम कर दिया। उससे आगे यदि वो क्या करेगा कि लेबर को बढ़ाएगा और पूंजी की मात्रा को बढ़ाएगा तो उत्पादन फिर बढ़ेगा नहीं। उत्पादन एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि उत्पादन घटेगा किसकी तुलना में, कि जो उसने पूंजी लगाई है या वो जिसने श्रम लगाया है उसकी तुलना में प्रोडक्शन क्या होगा, घटना शुरू कर देगा। तो कहने का अर्थ है कि उत्पादन का जो कुल मूल्य होगा वो कम होगा और जो मजदूरी उस वह दे रहा है श्रमिकों को और ब्याज पे जो पूंजी चुका रहा है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हुआ उत्पत्ति ह्रास नियम। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की परिभाषा और मान्यता के बाद अब उसके सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। तो उसके सिद्धांत की जो व्याख्या की जाती है या उसने अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो दो आधारों पर की है। पहला आता है कि जनसंख्या में वृद्धि और दूसरा आता है खाद्यान्नों में वृद्धि। इस प्रकार से दो आधारों पर उसने अपने पूरा जो जनसंख्या सिद्धांत है उसकी व्याख्या की है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि जनसंख्या में वृद्धि के बारे में उसने क्या बोला और उसके बाद जानेंगे कि खाद्यान्नों में वृद्धि के बारे में उसने क्या बोला या क्या बताया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि,
तो जनसंख्या में वृद्धि के बारे में माल्थस ने कहा कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका जो रेट होता है वो होता है ज्योमेट्रिक रेट, अर्थात किसी देश की जो जनसंख्या होती है वह ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। किस विधि से बढ़ती है? ज्यामितीय विधि से बढ़ती है या गुणोत्तर विधि से बढ़ती है। इसका उदाहरण लेते हैं कैसे बढ़ती है। इमानाबाद किसी देश की जनसंख्या पहले एक है, एक से बढ़कर दो व्यक्ति, दो से बढ़कर चार, चार से बढ़कर आठ, आठ से बढ़कर सोलह, सोलह से लेकर बत्तीस, बत्तीस से बढ़कर चौसठ, चौसठ से बढ़कर 128, 28 से बढ़कर 256 और इस प्रकार से 512। तो इसको समझिए कि जनसंख्या में जो वृद्धि हम बता रहे हैं आपको, ये ज्योमेट्रिक रेट है, ज्यामितीय विधि या गुणोत्तर विधि से जनसंख्या को उसने कहा कि इस विधि से बढ़ती है, इस रेट से बढ़ती है। किसी देश की जनसंख्या माना एक है पहले, उसके बाद दो हुई, दो से बढ़कर क्या होगी? चार होगी, फिर उसके दो गुना होगी, आठ हो, आठ लोग हो गए, उसके दो गुना फिर 16 लोग हो गए, फिर दो गुना 32 हो गए, फिर दो गुना 64 हो गए, 64 का दो गुना 128, 128 का 256, 256 का 512 और इस प्रकार से ये जनसंख्या क्या होगी? आगे भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये है उसका जनसंख्या में वृद्धि का रेट, जिसको कि ज्योमेट्रिक रेट के नाम से जाना जाता है। अब उसने क्या कहा कि यदि जनसंख्या इसी रेट से बढ़ती गई तो किसी देश की जनसंख्या जो है वह 25 साल में, यानी कि 25 ईयर में क्या हो जाएगी? ईयर्स में 25 सालों में वह दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कि वह कितनी गुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो किसी देश की जनसंख्या दोगुनी कैसे हो जाएगी, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि माना कि किसी देश की जो जनसंख्या है वह 15 लाख है। कितने लाख है? 15 लाख है। तो उसने कहा कि 25 साल बाद वो दोगुना हो जाएगी, तो 15 लाख है तो 25 साल बाद दोगुना हो गई, इट मीन्स हो गया कि वो कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी। कि 15 लाख का दो गुना, अर्थात 15 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 30 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने कहा कि ज्यामितीय विधि से किसी देश की जनसंख्या बढ़ती चली गई तो वह जनसंख्या 25 सालों में बढ़कर दोगुना हो जाएगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण बताया। आगे भी उसने अनुमान प्रस्तुत किया और उसने कहा कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या ग्रोथ जारी रहा तो क्या होगा कि किसी देश की जनसंख्या 200 सालों में इतनी बढ़ जाएगी कि उसका जो अनुपात होगा वो होगा कि 256:9। जनसंख्या बढ़ेगी 256 इकाइयों के बराबर माना, और खाद्य पदार्थ वो क्या बढ़ेंगे? वह केवल 9 इकाइयों के बराबर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भविष्य में, यानी कि 200 सालों में जनसंख्या का जो अनुपात है 256:9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जनसंख्या कहाँ बढ़ जाएगी और जो खाद्य पदार्थ होंगे या जो आर्थिक संसाधन है वो कितने कम पड़ जाएंगे। जनसंख्या में वृद्धि को जानने के बाद अब समझते हैं कि खाद्यान्नों में जो वृद्धि है वह किस ढंग से होती है। तो माल्थस ने कहा कि जो खाद्यान्नों में वृद्धि होती है उसकी जो दर होती है वो होती है अर्थमेटिक रेट, अर्थात वह अर्थमेटिक रेट से बढ़ती है। क्या? खाद्यान्नों में जो वृद्धि होती है उसकी जो दर होती है वृद्धि की वो क्या होती है? वह अंकगणितीय होती है। क्या होती है? अंक गणित होती है, इंग्लिश में कहते हैं उसको अर्थमेटिकल रेट। अब वो कैसी होती है कि खाद्यान्न कैसे बढ़ेंगे? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, यानी गन्ना हो गया, कोई भी खाद्य पदार्थ है, वो कैसे बढ़ता है? वो बढ़ता है कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। कि माना 1 क्विंटल हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 क्विंटल हुआ, फिर 3 क्विंटल, फिर 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में इस प्रकार से वृद्धि होती है। किसने कहा? ये कहा माल्थस ने। जबकि इससे पहले जो हमने बताया कि जनसंख्या वृद्धि उसका रेट अलग है, कि ज्योमेट्रिक रेट है उसका, उसका है गुणोत्तर विधि से जनसंख्या बढ़ती है या ज्यामिति से दर से जनसंख्या क्या होती है? ग्रो करती है। तो इस प्रकार से खाद्यान्नों में जो वृद्धि बताई उसने कि उसका जो रेट होता है वह अंकगणितीय दर से बढ़ती है। अब आगे चलकर उसने क्या कहा? इसी दर से यदि खाद्य पदार्थों में प्रोडक्शन में उत्पादन में वृद्धि होती रही तो क्या होगा? उत्पादन घटेगा। उत्पादन क्यों घटेगा?
उत्पादन इसलिए घटेगा कि क्योंकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो कहते देखे यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको स्पष्ट कराई कि जनसंख्या में वृद्धि किस दर से बताई उसने और खाद्यान्नों में वृद्धि उसने किस प्रकार से बताई। तो अब इन दो आधारों पर तुलना करके ही उसने अपने जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या की। अब इस सिद्धांत में क्या है कि जनसंख्या क्या हो रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या क्या हो रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो खाद्य पदार्थ क्या है कि वह उस दर से नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि आगे चलकर उस इन दोनों में क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा कि जनसंख्या ज्यादा और खाने के लिए भोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे कमी हो जाएगी। मुख्य रूप से माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की जो तुलना की वह खाद्यान्नों में वृद्धि से की, जीने के लिए खाद्यान्न जरूरी है उसने कहा, लेकिन अन्य जो संसाधन है जो सुविधाएं हैं उसको उसने छोड़ दिया, उसकी उसने चर्चा नहीं की कि मनुष्य को खाद्यान्नों के अलावा भी अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कपड़ा हो गया हमें, इसकी हमें जरूरत पड़ती है, और हमें क्या पड़ती है, हमें रहने के लिए मकान की जरूरत पड़ती है, इस चीज की उसने बात नहीं की। आने जाने के आवागमन के साधनों की बात उसने नहीं की, अर्थात उस समय उस प्रकार के साधन नहीं रहे होंगे। अब इसको एक हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि इन दोनों में असंतुलन कहां पैदा होगा। ठीक है, तो असंतुलन को जानने के लिए एक डायग्राम हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से दो अक्ष हमारे हो जाएंगे। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। इस पे लिखेंगे हम वृद्धि दर, अर्थात जो हमारा वाई अक्ष है उस पे वृद्धि दर हमारी आएगी, और इस वाले अक्ष पर हमारा जो आएगा ये दोनों आएगा, जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्नों में वृद्धि। जनसंख्या ठीक है ऑब्लिक खाद्यान्नों में जो वृद्धि होगी, ठीक है, यहां पे हमारी जनसंख्या जाएगी और साथ में खाद्यान्न आ जाएगा और यहां पर उसका वृद्धि रेट आ जाएगा, अर्थात खड़ी वाली पे वृद्धि का रेट रहेगा, ग्रोथ रेट रहेगा, और यहां पर कुल कितना पॉपुलेशन हुई और कुल कितना खाद्यान्नों का प्रोडक्शन हुआ। अब यहां पे सीधे हम डायग्राम ले लेंगे। इस प्रकार से देखिए कि ये हमारा एक कर्व बन गया ऊपर की ओर, अर्थात ये बता रहा है कि जनसंख्या यहाँ पे और वृद्धि दर कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन, इसके लिए हमने अक्षर का यूज कर दिया पी फॉर पॉपुलेशन। अब दूसरी जो रेखा है उसको लेते हैं, वो आ जाएगी हमारी खाद्यान्नों में वृद्धि की। ठीक है, जो खाद्यान्न, तो इस प्रकार से देखिए इसको यहां से ले लेंगे और इस प्रकार से यहां पे देखिए और इस पे लिख लेंगे खाद्यान्न के लिए कहते हैं ग्रेन। ठीक है, जी फॉर ग्रेन, या इसको कह सकते हैं हमारा हो जाएगा फूड, ठीक है, सप्लाई, SUPPLY, फूड सप्लाई इसको कह सकते हैं हम। तो यहां पर देखिए अभी जो ये लाइन है हमारी ग्रेन वाली या फूड सप्लाई की, ये अभी ऊपर है, ठीक है, और ये है नीचे, कौन, पॉपुलेशन की। इसका मीनिंग होगा अभी जनसंख्या क्या है, कम है, और खाद्यान्नों का उत्पादन क्या है, ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, खाद्यान्न भी बढ़ेगा, फिर जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक काट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख दिया एन। वो एन पर क्या होगा, यहाँ पर वो इस ई बिंदु पर क्या होगा कि जनसंख्या और जो खाद्य पदार्थ है उनका यहाँ पर एक संतुलन स्थापित, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये तो संतुलन का बिंदु है, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद समस्या कहां खड़ी होगी, समस्या इससे आगे खड़ी हो रही है, क्योंकि इससे अब क्या हो गया है कि जो ये फूड सप्लाई या खाद्यान्न प्रोडक्शन की लाइन है वो नीचे आ गई है और जनसंख्या वृद्धि ऊपर चली गई। इस प्रकार से देखिए यहीं पे ले लेते हैं, क्या इस प्रकार से यहां पे क्या हो गया, इतना बड़ा गैप आ गया है, जनसंख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और खाद्य पदार्थों की क्या हो गई है, कमी हो गई है, क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसी को आगे ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे ले लिया और इसको कर दिया एन वन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे तो बैलेंस की स्थिति है, लेकिन जब ओ एन जनसंख्या बढ़ जाती है और खाद्यान्न भी बढ़ता है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे ले लेते हैं ए और यहाँ पे ले लेते हैं बी,
तो इसके बीच देखिए कितना गैप है, ठीक है, किस प्रकार का एक गैप है या अंतर है, जो बता रहा है कि खाद्य पदार्थ तो हो गया कम और जनसंख्या हो गई ज्यादा। तो यहीं से समस्या क्या होती है, पैदा होती है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा और खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम, यहीं पर माल्थस ने बताया कि यही क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम को बतलाता है। क्या बतलाता है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा और फूड सप्लाई या ग्रेन प्रोडक्शन कम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके क्या आएंगे, दुष्परिणाम आएंगे। कैसे दुष्परिणाम आएंगे, बहुत सारे दुष्परिणाम आएंगे। इंसान ज्यादा है और भोजन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, जबकि सबके लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोगों को भोजन मिलेगा, ठीक है, और कुछ लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को भोजन मिलेगा और कुछ को नहीं मिलेगा। एक तो ये होगा, ठीक है, जिससे क्या होगी, भुखमरी फैलेगी। क्या फैलेगी, भुखमरी फैलेगी, तो लोग क्या होंगे, भूख से मरेंगे। ये तो बात हुई, भुखमरी फैलेगी, कुपोषण फैलेगा, अर्थात तो लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोग तो अच्छा खासा जीवन व्यतीत करेंगे, एक बात तो ये हो जाएगी, लेकिन जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुपोषण के शिकार होंगे और जल्दी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, उसने कहा महामारी फैलेगी। क्या फैलेगी, महामारी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। जैसे वर्तमान में कोरोना नाम की जो बीमारी फैल रखी है, तो वह भी एक प्राकृतिक प्रकोप की बीमारी है, महामारी है। उससे पहले भी कई बीमारियां दुनिया में आ चुकी हैं, टीबी है, प्लेग है, ठीक है, कैंसर है, इससे भी लाखों लोग क्या हो जाते हैं, प्रत्येक दिन क्या होते हैं, मरते रहते हैं। या फिर अन्य भी बहुत सारी डिजीज होती हैं जिसके कारण डेथ रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से खाद्यान्नों की कमी और जनसंख्या वृद्धि के कारण उसने दुनिया का ध्यान पहली बार ही खींचा कि भाई यदि जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो खाद्यान्न की कमी हो गई तो क्या दुष्परिणाम निकलेगा। तो इसी का उसने जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या ज्यादा होगी तो विस्फोट होने से क्या होगा, कुछ लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, गरीबी होगी, भुखमरी फैलेगी, निर्धनता होगी, कुपोषण होगा, बाढ़ आएगी, ठीक है, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा। इस प्रकार की बातें उसने कही हैं कि यदि इन दोनों में असंतुलन पैदा हो गया तो महामारी और जो अभी मैंने आपको बताया इतनी चीजें आएंगी। अब ये चीजें क्या करेंगी कि जनसंख्या को क्या करेंगी, फिर संतुलन स्तर पर लाने का प्रयास करेंगी।